नमस्कार। जम्मू कश्मीर के इतिहास में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन जिला परिषद के चुनाव 70 वर्षों में कभी अवसर नहीं मिला। माननीय मोदी जी ने पंच सरपंच, बीडीसी और फिर डीडीसी के चुनाव यानी कि जिला विकास परिषद के चुनाव भी करवाने का अवसर यहां पर दिया। ये चुनाव भय मुक्त हुए, हिंसा मुक्त हुए, ना भय हुआ ना हिंसा हुई और निष्पक्ष चुनाव यहाँ पर हुए हैं, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन को, यहाँ के अधिकारियों को, सुरक्षा बलों को मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। वहीं पर ऐतिहासिक चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डराने का प्रयास किया गया, आतंक की बात की गई, बंदूक उठाने की बात की गई, लेकिन यहाँ के लोगों ने 8 चरणों के इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सैकड़ों लोगों ने चुनाव लड़ा, लाखों लोगों ने मतदान किया और कुल मिलाकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जम्मू कश्मीर के राज्य में एक सफल चुनाव जिला परिषद के हुए। उसके लिए जीत जमहूरियत की हुई, जनता की हुई, जनतंत्र की हुई। 51% से ज्यादा पोलिंग हुई, जो अपने आप में पिछले के चुनावों की तुलना में बहुत अच्छी थी। यही नहीं, कुछ प्रोपेगेंडा चलाया गया, जिस तरह से देश भर में मोदी जी के खिलाफ कभी महागठबंधन होता था, कभी गठबंधन होता था। जम्मू कश्मीर में नया नाम गुपकार गैंग के रूप में दिया गया, बहुत सारे दल इसमें इकट्ठे हुए, लेकिन ये सब इकट्ठे होकर भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाए। हमने इससे पहले भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या देश के चुनाव हो, चाहे हैदराबाद के चुनाव हो, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और कमल खिला, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और यहां पर भी देखा जाए, इन चुनावों में भी जो आंकड़े मैं आप सबके सामने रखने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में 75 सीटें मिली, जो सबसे ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें मिली 75, और वोट शेयर भी सबसे ज्यादा मिला 38.74%। और अगर आप पूरी गुपकार गैंग को मिला लेंगे तो पूरी गुपकार गैंग का कुल मिलाकर वोट परसेंटेज केवल 32.96% बनता है। और अगर कुल वोट गिनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को कुल मिलाकर वोट मिले हैं 4,87,364 वोट केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले, और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस का वोट मिलाकर 4,70,000 बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के वोट से काफी कम है। यह अपने आप दिखाता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई है, जम्मू कश्मीर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया है, जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद अलगाववाद को ना कही है और राष्ट्रवाद का रास्ता थामा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने बम और बंदूक को मना किया है और बैलेट का साथ दिया है, जम्मू कश्मीर की जनता ने अंधकार से निकलकर अब उजाले की ओर जाने का और विकास की ओर जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में नए नेतृत्व को मौका इस जिला परिषद के चुनाव से मिला, नए चेहरे उभर कर आए हैं, जीत कर आए हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लेकिन एक बात यहां पर कहना चाहूंगा, अगर आप तुलना करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 75 सीटें मिली तो वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 67 और इंडिपेंडेंट्स को 47 सीटें इंडिपेंडेंट्स को मिली। ये जानना बहुत आवश्यक यहां पर है कि इंडिपेंडेंट सीटें जो है वो पीडीपी और कांग्रेस से ज्यादा है। पीडीपी का वोट शेयर मात्र 4.4% रह गया। वही महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगे को नहीं फहराएंगी, यहां की जनता ने उनको केवल 4.4% वोट दिया है। कांग्रेस मात्र 11% वोट शेयर पर रह गई, जबकि इंडिपेंडेंट का वोट शेयर 13.6% है। यानी कि इंडिपेंडेंट भी कांग्रेस और पीडीपी से आगे निकल गए, और भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंट को मिलाएंगे तो
तो 52% से ज्यादा वोट शेयर केवल भारतीय जनता पार्टी और इंडिपेंडेंस का बनता है। यह भी साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने गुपकार गैंग को सिरे से नकार दिया, सिरे से नकार दिया है यहां की जनता ने। और यही नहीं, कुछ और छोटे दल हैं, जैसे अपनी पार्टी है, उनको 3% वोट मिला, जो नई पार्टी उसको भी 3% वोट मिला है, और पीडीपी जैसी पार्टियों को मात्र 4.4% वोट शेयर रह गया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, पुलवामा जैसी सीटें हो या बाकी हो या हमारी चार वाली सीट हो, वहां पर भी जो जीते हुई हैं वो अपने आप में दिखाता है, जहां आतंकवाद के गढ़ भी थे वहां पर भी लोगों ने आतंकवाद मुक्त होने के लिए अपनी ओर से मोहर लगाई। यही नहीं, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं जीए मीर साहब, उनके बेटे जो हैं नसीर अहमद मीर, वो भी हारे हैं, उनकी हार भी हुई, लेकिन हारे किससे हैं? ट्रैक्टर चलते किसान से, इनके किसानों ने भी कांग्रेस को हराया है, नकारा है, यह भी बड़ी बात है। और इसके अलावा जो लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर की जनता ने विश्वास व्यक्त किया वो एक बहुत बड़ी बात है। आरोप लगाया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू में तो अच्छा करेगी लेकिन कश्मीर घाटी में क्या होगा। हमने श्रीनगर में पहला रिजल्ट आया है तो हमारे युवा कार्यकर्ता का आया, एक नेता का आया, इंजीनियर एजाज जी का, जिन्होंने रिकॉर्ड वोट भी पाए, ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की है। यह अपने आप दिखाता है कि कश्मीर घाटी ने भी भारतीय जनता पार्टी के लिए द्वार खोले हैं। एक नहीं, तीन तीन सीटें हमने वहां से जीती हैं और यहीं से शुरुआत जम्मू कश्मीर में परिवर्तन की हुई है। नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए नया नेतृत्व इन चुनावों के माध्यम से उभर कर आगे आ रहा है। नई लीडरशिप देने के लिए ये जो प्रयास मोदी जी ने किया, इसके लिए जम्मू कश्मीर की जनता उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। दुनिया भर को संदेश दिया है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने अब टेररिज्म को ना और टूरिज्म को हाँ की है, बंदूक को ना और बैलेट का साथ दिया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। यही नहीं, यहां पर जो तीन खानदानों की सरकार चलती थी, अब एक संदेश तो जम्मू कश्मीर की जनता ने दे दिया है कि ये डायनेस्टी से मुक्ति पाएंगे। ये तीन खानदान जो लगातार चलते थे, एक खानदान की तो तीन पीढ़ियों ने यहां पर राज किया लेकिन जम्मू कश्मीर को अंधकार में डुबोकर रखा, खेलों तक का पैसा खा गए, उसको लेकर भी जनता ने करारा जवाब दिया है। जवाब यही है कि उनको कुल मिलाकर जितनी सीटें मिली उससे कई गुना ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। ये आंकड़े अपने आप में दिखाते हैं कि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी खुलकर गुपकार अलायंस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, जनता ने इंडिपेंडेंस का भी सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी का भी सहयोग किया है। और ये 52% से ज्यादा वोट शेयर अपने आप में सब कुछ कहता है कि गुपकार गैंग के ये लोग खिलाफ हैं। 370-35 से हटने पर जम्मू कश्मीर की जनता प्रसन्न है। यहाँ के चाहे गुरखा समुदाय हो, वाल्मीकि समुदाय हो, पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, शेड्यूल ट्राइब हो, महिला हो, यहाँ के गुजर बकरवाल हो, इनको अगर इनके अधिकार देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, भरोसा व्यक्त किया है और मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता का, ये जो मेन स्ट्रीम की सभी पार्टीज इकट्ठी होकर या रीजनल पार्टीज भी इकट्ठी होकर भाजपा के खिलाफ लगी, सब इकट्ठे हो, सबने पूरी ताकत लगाई, डराने का प्रयास भी किया, आतंकवादी हमलों का भी कहा, बंटोल प्लाजा पर 4 आतंकवादी मारे भी गए, टनल भी पकड़ी गई, कैंडिडेट पर छुटपुट हमला भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतने निष्पक्ष, साफ सुथरे और भय मुक्त चुनाव अगर हुए हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। ये लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के इलेक्शन कमीशन में, जम्मू कश्मीर के इलेक्शन कमीशन में लोगों का विश्वास और बढ़ा है। सुरक्षा बलों ने जो यहां पर किया है कि लोगों को सुरक्षा भी दी और आसानी से चुनाव करने का अवसर दिया, इसलिए सुरक्षा बलों का भी आभार हम लोग प्रकट करना चाहते हैं। भय और डर से
मुक्ति दिलाई, इसके लिए भी उनका बहुत बहुत आभार। यही कहना चाहूंगा कि प्रगति की राह पर अब जम्मू कश्मीर चल पड़ा है। 5-6 अगस्त 2019 को जब लोकसभा और राज्यसभा में धारा 370-35A से मुक्ति मिली, तो उसके बाद अब जितने काम यहां पर हुए हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर DDC के चुनाव में बहुत सारे इलाकों पर देखा जाए, यहां पर कम पर वोटिंग परसेंटेज होता था घाटी के कुछ इलाकों में भी और जम्मू के भी कुछ इलाकों में, लेकिन वहां पर भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। कुल मिलाकर 51% से ज्यादा वोटिंग होना यह अपने आप में दिखाता है कि बहुत बड़ी बात है। गांधरबल जैसे क्षेत्र में भी 43.4% वोटिंग का होना, 2018 के पंचायती चुनाव में इसमें मात्र 27.4% वोटिंग थी और 2019 के चुनाव में 17.5% वोटिंग थी। तो आप देखिए तुलना करके इसका वोटिंग परसेंटेज कितना बड़ा है। कश्मीर के बड़गाम में 42% वोटिंग हुई जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 21.9% वोटिंग हुई थी और लोकसभा के चुनाव में मात्र 21.6% वोटिंग हुई थी। ये दिखाता है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत हुआ। इसी तरह से अगर आप कश्मीर के सोपोर में देखें जो अलगाववाद से ग्रस्त था, वहां पर 23.8% वोटिंग हुई थी और इस क्षेत्र में लोकसभा के चुनाव में मात्र 7.6% वोटिंग हुई थी और नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में 51.7% पोलिंग हुई जबकि 2018 के पंचायती चुनाव में मात्र 44% और 2019 के लोकसभा चुनाव में मात्र 32% पोलिंग हुई थी। कुल मिलाकर लोकसभा और पंचायतों के चुनाव से ज्यादा पोलिंग जिला परिषद के चुनाव में हुई। ये अपने आप दिखाता है कि निष्पक्ष चुनाव हुए, भय और डर से मुक्त चुनाव हुए, ज्यादा जनता का इसमें योगदान हुआ, ज्यादा वोट भी पड़ा, ज्यादा उम्मीदवार भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें भी जीती, भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग शेयर भी मिला और यही नहीं सबसे ज्यादा वोट भी भारतीय जनता पार्टी को पड़े। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के इतिहास में पिछले 70 सालों में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन मैं यही कहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में अभी शुरुआत हुई है, अभी तो नए जम्मू कश्मीर का निर्माण इन नए चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हम करेंगे, नए भारत के साथ नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में लगेंगे। ज्यादा ना कहता हुआ कुछ प्रश्न आपके भी होंगे, वो प्रश्न भी हम लेंगे, लेकिन यही कहूंगा कि जितने भी उम्मीदवार जीते हैं सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा जी की ओर से और जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 370-35 से मुक्ति दिलाई, ऐसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मीडिया के मित्रों, अब हम इससे कुछ एक सहयोगी मैं एक एक का जो हाथ खड़ा करेंगे उनका नाम लूंगा और वो हमें अनुराग जी को प्रश्न पूछेंगे। श्री सुनील जी भट्ट आज तक अनुराग जी, अनुराग जी कुछ जिलों में जो है ना त्रिशंकु जैसी स्थिति जो है उत्पन्न हुई है। अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर श्रीनगर जिला जो है वहां पर जो है निर्दलीय उम्मीदवार जो है ज्यादा जीते हैं और आपका एक उम्मीदवार श्रीनगर जिले से भी जीता। पुंछ जिले में भी देखे तो निर्दलीय ज्यादा जो है सात निर्दलीय जीते हैं। तो आपकी क्या रणनीति होगी, क्या उन निर्दलियों को अपने खेमे में लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी श्रीनगर और पुंछ में? मैं पहले तो आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने देश को बताया है कि श्रीनगर में भी, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी गुपकार गैंग को सीटें नहीं मिली हैं, वहां पर भी गुपकार गैंग को नकारा गया है और वहां पर सबसे पहली और सबसे बड़ी जीत किसी की हुई तो भारतीय जनता पार्टी की, इंजीनियर एजाज की हुई। और इसी तरह से पुंछ जिले में भी इंडिपेंडेंट सीटें, ये अपने आप दिखाता है कि गुपकार गैंग को लोगों ने नकारा है और निश्चित तौर पर जहां जहां संभव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी अपने चेयरमैन या अपने समर्थकों को चेयरमैन बनाने का काम भी करेगी, अपनी कमेटीज भी बनाएगी। कल ही चुनाव खत्म हुए हैं, अगले कुछ दिनों में जैसी जैसी परिस्थितियां बनेगी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा चेयरमैन बनेंगे। आप कहेंगे आप प्रयास करेंगे वहां पर भी अपना चेयरमैन? बहुत सारे लोग जिन्होंने गुपकार गैंग के खिलाफ चुनाव लड़ा
वो जीते हैं, उनको लोगों ने वोट इसलिए दिया क्योंकि वो गुपकार गैंग के खिलाफ थे, और जब वो गुपकार गैंग के खिलाफ थे तो निश्चित तौर पर वो विकास के लिए थे, नरेंद्र मोदी जी का साथ देने के लिए है, भारत की जो बाकी राज्य आगे बढ़ रहे हैं उस तरह से जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ या हम उनके साथ मिलकर अलग अलग जिलों में वहां पर कमेटीज को बनाएंगे। अनुराग जी, राजौरी जिला हो या रामबन जिला हो या किश्तवाड़ जिला भी हो, वहां पर आपका प्रदर्शन उतना खासा अच्छा नहीं रहा है और गुपकार का वहां पर पलड़ा भारी है। हालांकि उनको बहुमत नहीं मिला है, बहुमत के आंकड़े से कम है, लेकिन अगर उनको कांग्रेस समर्थन दे देती है तो अपना चेयरमैन बना लेगी। क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो खराब प्रदर्शन रहा है कुछ जिलों में जम्मू संभाग में? मैं कहूंगा देखिए, सांबा जिला में 14 में से 13 सीटें हम जीते, कठुआ में 14 में से 13 सीटें हम जीते, उधमपुर में 14 में से 11 सीटें हम जीते, एक इंडिपेंडेंट जीता वो भी हमारे विचारधारा, जम्मू में हम लोग जो 11 सीट जीते हैं 2 इंडिपेंडेंट हमारे उसमें से जीते हैं, इसी तरह से डोडा में हम 8 सीटें जीते हैं, 2 इंडिपेंडेंट हमारे जीते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए हमारा स्ट्राइक रेट जो है, आप स्ट्राइक रेट देखिए भारतीय जनता पार्टी का, 75 सीटें जीतना और जितनी सीटों पर हम जम्मू में लड़े जम्मू रीजन में, वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारा वोट शेयर 38.74% अपने आप बहुत कुछ कहता है कि हम पूरे गुपकार गैंग को मिलाने से ज्यादा वोट शेयर भी अकेली भारतीय जनता पार्टी का है। अगर हम अपने समर्थक इंडिपेंडेंट्स को भी गिन लें या जो इंडिपेंडेंट जीते हैं, तो 52% से ज्यादा वोट शेयर भाजपा और इंडिपेंडेंट का है। गुपकार गैंग केवल 32% पर रह जाती है। ये बहुत बड़ा गैप है, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने तय किया है कि वो विकास चाहते हैं, राष्ट्रवाद के साथ जाना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार। एक छोटा सा सवाल, छोटा सा रविंद्र शर्मा, उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करते हुए कहा है कि गुपकार अलायंस को हम लोग समर्थन दे रहे हैं भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने जो है एक अलायंस के तहत चुनाव लड़ा था, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है वहां हमारा सहयोग है, जहां हम जीते हैं वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस का सहयोग है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव से पहले ट्वीट करके कहा था कि हम गुपकार अलायंस का हिस्सा नहीं है। देखिए कांग्रेस कब क्या कहती है, कांग्रेस का निर्णय करने वाला कौन है, आज देश में भी और कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक असमंजस की स्थिति है। कांग्रेस गुपकार का अलायंस थी या नहीं थी, ये जम्मू कश्मीर की जनता और यहां का मीडिया बली भांति जानता है। किस तरह से उस सोच का साथ दिया जो पाकिस्तान और चीन का समर्थन लेने की बात करते थे, कांग्रेस उस सोच के साथ जुड़कर चली, अंदर खाते भी और खुले तौर पर भी, जिस तरह से बहुत सारी सीटों पर इन लोगों ने आपस में गठजोड़ करके चुनाव लड़ा, अब ऐसे बयानों से इनकी पोल और खुलती है। इस पर जवाब तो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को देना चाहिए। आखिरकार सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी देश की जनता से भागते क्यों, जवाब क्यों नहीं देते? वो महागठबंधन का हिस्सा बने तब भी उनकी हार हुई, जहां जहां जिस गठबंधन का वो हिस्सा बने बाद में उस गठबंधन के प्रमुख दल ने कहा कि हम कांग्रेस के कारण हारे। क्या कांग्रेस आज उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं, या गुपकार गैंग वालों ने भी गुपचुप समझौता करने के लिए ही कहा? ये सब आपके सामने आया है, कांग्रेस को अपना असली चेहरा देश को बताने की आवश्यकता है। अनुराग जी, जिस तरह से अभी इलेक्शन कंटेस्ट हुए हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हुए हैं, तो आपको लगता है जिस माहौल में अभी बीजेपी के चुनाव हुए हैं, अब राज्य तैयार है विधानसभा के चुनाव करवाने के लिए? और दूसरी तरफ सर, जिस तरह से बीजेपी ने अपने 2 पूर्व मंत्री डीडीसी चुनाव में उतारे थे, शक्तिराज परिहार, दूसरा श्याम चौधरी, दोनों ही जो है वो हार गए, तो लगता है कहीं ना कहीं लोगों में जो है वो नाराजगी है जो पूर्व मंत्री रहे हैं उनके कार्यशैली को लेकर? देखिए 11 वोटों से उनकी हार, क्या कारण रहे क्यों रहे इसको बाद में चिंता अवश्य की जाए, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने चुनाव लड़ा। कई बार परिस्थितियां स्थानीय तौर पर भी ऐसी बनती हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखिए तो इस चुनावों में 2178 उम्मीदवार थे, 450 महिलाओं ने इस चुनावों में भाग लिया जो अपने आप में रिकॉर्ड है, 57 लाख मतदाता थे, 51% मतदाताओं ने अपनी वोटिंग की है। ये अपने आप में दिखाते हैं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतना वोट पड़ना, इतने लोगों का खुलकर मतदान करना, सर्दी को भी मात देना, आतंक को भी मात देना और लोकतंत्र को मजबूत करना, ये जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा कि हम फ्रंटियर इलाकों में हैं और लीड करना जानते हैं कि कैसे हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लीड करेंगे।
मुझे लगता है बड़ी जीत है लोकतंत्र। चुनाव करने जिस तरह से नुकसान पहुंचा है, जिस तरह से जम्मू प्रोविंस के अंदर भाजपा को सीट मिली है, कल से ही ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड कर रहा है कि जम्मू ने एक बार फिर से भाजपा को प्यार दिखाया, लेकिन जम्मू की जो आशाएं हैं, जम्मू के डोगरों की जो आशाएं हैं, अभी भी भाजपा उस पर पूरी तरह से नहीं उतर रही है, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो 4G की बात हो, क्योंकि अगर आप 370 की बात करते हैं तो उससे पहले भी जॉब्स कश्मीर को जाते हैं, क्या जम्मू की आशाओं पर आप खरा उतरे? निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाओं पर खरा उतरे। आपने स्पेसिफिकली जम्मू की बात की तो मैं इतना कह दूं, अगर मैं जम्मू की भी बात करूं तो अगर एम्स अस्पताल देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखें, आईआईटी देखें, आईआईएम देखें, मेडिकल कॉलेजेस देखें, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखें, डिग्री कॉलेजेस देखें, केंद्रीय विद्यालय देखें, फोर लेन हाईवे से लेकर एक्सप्रेस वे देखें, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू को देने का काम किया और घाटी को भी उतना ही दिया है, बढ़ चढ़ कर दिया है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी मूल मंत्र के साथ काम किया और नरेंद्र मोदी जी ने चाहे गैस सिलेंडर हो, पक्के मकान हो, गांव गांव तक बिजली पहुंचाने की बात हो, यहां के लोगों ने कहा कि 70 साल में यहां की जो 3 परिवार थे वो अपने बंगले बनाते रहे, मोदी जी ने बॉर्डर पर बंकर बनाकर दिए, गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए, गांव तक बिजली पहुंचा कर दी, गैस सिलेंडर दी, शौचालय दिए और अब 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा भी नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। अनुराग, आज हमने एक सवाल कांग्रेस की लीडरशिप से करा तो हमने कहा कि आपका सीट शेयरिंग अरेंजमेंट पहले था तो क्या अभी भी आप सपोर्ट करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए, क्योंकि बीजेपी आउट, वी कैन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वी सपोर्टिंग दिस गुपकार अलायंस, एंड हाउ यू सी देम सपोर्टिंग गुपकार गैंग, द सेम गैंग दैट हैड बीन इंसल्टिंग तिरंगा एंड गिविंग सेलिब्रेशन। मेरा आज एक प्रश्न सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से, क्या तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ वो जाएंगे? क्या पाकिस्तान का साथ मांगने वालों के साथ वो जाएंगे? क्या 370-35 को वापस जम्मू कश्मीर में बहाल करने वालों के साथ सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी जाएंगे? क्या चीन से समर्थन मांगने वालों के साथ ये लोग जाएंगे? क्या खेलों का पैसा खाने वालों के साथ भी ये जाएंगे? जम्मू कश्मीर की 3,42,000 कनाल जमीन को खाने वाले रोशनी एक्ट के अंतर्गत क्या उनका समर्थन भी कांग्रेस वाले यहां पर करेंगे? देश के खिलाफ सोच रखने वाले जिन्होंने कहा कि चुनाव को बंद कर दीजिए, पाकिस्तान से बातचीत कर दीजिए, क्या सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी क्या इनका समर्थन करती है? सोनिया जी, राहुल जी, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, क्या आप गुपकार के हिस्सा है? क्या इस गैंग का हिस्सा आप भी है? क्योंकि चुनावों से पहले आपके ही नेताओं ने कहा हम हिस्सा है, और आपके ही जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष, उनके बेटे वो चुनाव हार गए, हारे भी उनसे जो ट्रैक्टर वाला किसान है, यानी कि ट्रैक्टर वाले किसान ने भी आपको हराया है, किसान ने भी नकारा है, जम्मू कश्मीर की जनता ने भी नकारा है, और कांग्रेस का वोट शेयर जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट से भी कम हो गया है, इंडिपेंडेंट से कम वोट शेयर है कांग्रेस का, सीटें भी कम है आपकी इंडिपेंडेंट से। तो कांग्रेस जो पतन की ओर जा रही है उसका बड़ा कारण क्या है कि कांग्रेस को यही नहीं पता कि उसकी विचारधारा क्या है, उनका नेतृत्व सोच क्या रहा है, किस रुख पर आपको जाना है, राष्ट्रवाद के साथ जाना है, अलगाववाद के साथ जाना है, पत्थर मारने वालों के साथ जाना है या पत्थर रोकने वालों के साथ आना है? बहुत सीधा प्रश्न है सोनिया जी, अगर छुट्टियां गोवा की खत्म हो गई हो तो कृपया करके राहुल जी और सोनिया जी जवाब दें। अनुराग जी, कश्मीर में बीजेपी ने 3 सीटें जीती है, अपेक्षा जरूर ज्यादा होगी, क्या समझते हैं अब कश्मीर के लिए बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ चैलेंज भी है। दूसरी चीज, कश्मीर में जो चुनाव जीतने के बाद आपको क्या लगता है कि अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर कश्मीर के लिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ और फायदे आपको मिलेंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने जो नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास किया है, उनकी नीतियों का साथ दिया है, उनके नेतृत्व का साथ दिया है, उनके लोकतंत्र को मजबूत करने के जो कदम बढ़ाए हैं, वही एक कारण है कि घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने 1 नहीं 3 सीटें जीती हैं, और 1 सीट तो सबसे ज्यादा वोट से जीती है श्रीनगर में। ये अपने आप में दिखाता है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी कश्मीर में भी बड़ी है। जिस तरह से कभी एक समय भाजपा की 2 सीटें देश में थी, वहां से बढ़कर हम 282 सीटें
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीत पाई, फिर 303 सीटें जीती। घाटी में आज 3 दिख रही होंगी, लेकिन यहीं से इतिहास रचा जाएगा, यहीं से शुरुआत की जाएगी, यहीं से घाटी के कोने कोने में कमल खिलाने का दौर शुरू हो जाएगा। जम्मू के साथ साथ कश्मीर के कोने कोने में नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, उनके काम को पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का परचम और कमल को खिलाने का काम किया। एक सवाल, मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो ये कि हमने इस आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आपकी सारी सेंटर से काफी मिनिस्टर और आप भी यहीं पे रहे और आपने कंपेन की, उसके बिल्कुल उलट दूसरी पार्टी जो पीएजीडी है उनका तो कोई सीनियर लीडर यहाँ पे नहीं आया, तो दे वर्चुअली प्रोवाइडेड यू ए केक वॉर इन जम्मू, और उसके बाद भी आप सिर्फ 6 डीडीसी में ही अपनी बढ़ोतरी कर पाए हैं। नंबर 2, ये जो इलेक्शन थी इसमें लोकल मुद्दे बिजली सड़क पानी उसको छोड़ के जो मेन फोकस रहा वो 370 रहा, गुपकार गैंग रहा। देखिए मैं इसमें आपके प्रश्न का सीधा उत्तर दे देता हूँ। क्या बाकी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध था मेहनत करने के लिए? किसने मना किया था चुनाव में? आखिर भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है कि अच्छे प्रतिनिधि चुने जाए, सेवा करने का अवसर दिया है तो जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को जानेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। हमारे पास अपनी उपलब्धियां थी जनता के बीच में जाने के लिए, चाहे वो मेडिकल कॉलेज थे, एम्स अस्पताल था, या इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आईआईटी आईएम था, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे, सड़कें थे या रेलवे लाइन थी, या गांव-गांव में बिजली पहुंचाने की बात हो, बंकर बनाने की बात हो, या लोगों को उनके अधिकार देने की बात हो। हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में गए और 370-35 से मुक्ति जो दिलाई है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने उसको लेकर गए, और जनता ने इसीलिए सबसे ज्यादा वोट 38.74% वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। पूरी गुपकार गैंग को मिलाकर भी मात्र 32.96% वोट मिला है। यह अपने आप दिखाता है कि भाजपा कितनी लोकप्रिय है, भाजपा को कितना लोग चाहते हैं। और मैं कहूंगा अगर लोग सर्दी के कारण अपने घरों से बाकी दलों के नेता नहीं निकले, या राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी गोवा में छुट्टी मनाने चले गए, तो हम तो किसी दल को मजबूर नहीं कर सकते चुनाव प्रचार करने के लिए। किसी ने मना नहीं किया था, आ सकते थे। सर मेरा सवाल इसी से जुड़ा है, गुलाम अहमद मीर हो या फिर बीएसयूपी से जुड़ी अलग अलग पार्टी, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि हमें खुले से कैंपेन करने से रोका गया, जिस तरह से एक वीडियो भी महबूबा मुफ्ती की वायरल हुई थी उसको लेकर सर आप क्या कहें? देखिए उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, ताला किस तरफ से लगा। अनिल राव जी क्या कारण रहा कि निशाला की सीट आपके हाथ से निकल गई, आपके स्टेट प्रेसिडेंट थे वहां पे, उनका एरिया था, क्या कारण? देखिए चुनाव में एक एक सीट का आंकलन बाद में किया जाता है, लेकिन कुल सच्चाई यही है कि देश के सामने जम्मू कश्मीर की जनता ने कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। कड़ा ये कि आतंकवाद को ना, अलगाववाद को ना, और बड़ा संदेश ये जनतंत्र को हाँ, लोकतंत्र को हाँ, और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को हाँ कही है। जम्मू कश्मीर की जनता ने कहा है कि अब हम केवल शांति और विकास का रास्ता अपनाएंगे, हम अपने बच्चों को बम या बंदूक नहीं देंगे, कलम से एक नया इतिहास, नया अध्याय लिखेंगे, नए जम्मू कश्मीर का इतिहास, नए जम्मू कश्मीर की कहानी, यहाँ की नई लीडरशिप लिखेगी जो इन चुनावों से उभर कर आई है। नया जम्मू कश्मीर नए भारत के निर्माण में भी एक बड़ा योगदान देगा। इन चुनावों से सच्चाई सामने आई है और जम्मू कश्मीर की जनता ने कमल खिलाकर मोदी जी की नीतियों पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर मोहर लगाई है। जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत बहुत आभार। जय।